हमारे स्टूडेंट्स वेलकम बैक अपन एक साइंस क्लास। सो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी डिस्कसिंग अबाउट द थर्मोमीटर एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट फारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। ओके, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल्स। यहाँ हमें बताना है सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल के बीच का रिलेशनशिप। ओके, द टू टेम्परेचर स्केल्स आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए, टू टेम्परेचर, दो तापमान वाले स्केल्स लिए हमने, सी माइनस जीरो अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 180 से। ओके, तो ये हमने दो तापमान वाली इक्वेशन ले ली है। फ्रॉम दिस वी कैन गेट द फॉलोइंग टू इक्वेशंस। अब हमें दो इक्वेशन प्राप्त होती है, कौन कौन सी होती है देखिए। डिग्री एफ फारेनहाइट इज इक्वल टू 1.80 डिग्री प्लस 32। देखिए, यहाँ पर 32 माइनस का था, जब वो देखिए सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इसके साथ होगा और इसका इसके साथ होगा। ओके, तो देखिए यहाँ हमने लिखा है डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर ये माइनस का है तो यहाँ आके प्लस का हो जाएगा। नीचे की इक्वेशन 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 0.556 फारेनहाइट माइनस 32। देखिए, जब हम इन लोगों ने हमने इनका मल्टीप्लाई किया 100 में 1 सॉरी 8 माइनस 32 का मल्टीप्लाई करा। देखिए, जब हम इस इक्वेशन को डिस्क्राइब करेंगे तो हमारी इक्वेशन इस प्रकार बन जाएगी, 8 माइनस 32, जब हमने इसका इसका मल्टीप्लाई करा तो हमारा हो गया 8 माइनस 32 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 180। ओके, अब देखिए 180 को हम 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, जब हमने इसका डिवाइड किया तो हमें ये आंसर प्राप्त हुआ 0.556 एफ माइनस 32 एच इट इज रहेगा। द टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी। अब देखिए क्या करेंगे हम, एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापेंगे जितना कितना है उसका, 98.6 फारेनहाइट। द हीट एनर्जी इन द बॉडी प्रोड्यूस बाय केमिकल चेंजेस इन द फूड वी ईट। ये देखिए, द हीट एनर्जी इन द बॉडी, हमारे बॉडी की जो हीट एनर्जी रहती है प्रोड्यूस होती है केमिकल चेंजेस के थ्रू, जो हम खाना खाते हैं उसके थ्रू वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एज द फूड ऑक्सीडाइज इज प्रोड्यूसेस एनर्जी डेट मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फारेनहाइट, जो क्या करती है 98.6 डिग्री फारेनहाइट का टेम्परेचर प्रोड्यूस करती है। ओके, सो लेट अस फाइंड आउट द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। तो हम क्या पता लगाएंगे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में पता लगाएंगे। अभी हमारे पास है फारेनहाइट में, हमें इसमें सेल्सियस में मीन्स सी में निकालना है। ओके, टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी, अब एक नॉर्मल व्यक्ति का टेम्परेचर कितना रहता है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ओके, सो देखिए, अब आपको दिख रहा है सी अपॉन 100, ये इक्वेशन हमें यहाँ से मिली है। यदि हम सी में माइनस जीरो करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सी अपॉन 100। सो इक्वेशन हमने यहाँ लिखी है, सी अपॉन 100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32, एच इट इज लिखा एफ माइनस 32 अपॉन 180। ओके, अब देखिए हम इसे कंटिन्यू करेंगे, हमें इसकी सी की वैल्यू निकालना, हमें सेल्सियस स्केल में निकालना है, तो हमने लिखा सी इज इक्वल टू 100 एच इट इज, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, एफ माइनस 32 एच इट इज और पूरे होल अपॉन में कर दिया 180। ओके, सी एज इट इज लिखा हमने, अब हम इसे 20 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 25 100, 29 180, तो यहाँ पे कितना बचा 5, नीचे आया 9, तो हमने 5/9, देखिए हमने 5/9 यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास f की वैल्यू है यहाँ पे 98.6 डिग्री फारेनहाइट, यह हमने एज इट इज लिख दी, माइनस 32। ओके, c इज
इज इक्वल टू ए 5/9, इन दोनों का हम माइनस, तो हमारे पास आंसर आएगा 66.6। अब देखिए हमें इसको सॉल्व करना है, तो 5/9 तो एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई 66.6, हमें यहाँ क्या करेंगे इसका, हम इसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, इसके लिए अपॉन में 1 लिखेंगे, पॉइंट हटाने के बाद एक डिजिट है तो हमने 0 लिखा, यदि दो डिजिट होते तो हम 2 0 लिखते। देखिए अब हमने 5 को 10 से कट किया, अब देखिए हमने 5 से 10 को कट किया, 5 1 5, 5 2 10, यहाँ आ गया हमारा 2। अब हम इस 2 को 66.6 से कट करेंगे, अब हम 2 से 66.6 को कट करेंगे, तो सभी को आता है कट करते, 2 के टेबल में कितने टाइम आता है 6, 3 टाइम, 3 3 3, 333 हो गया। अब हमारे पास नीचे बचा है 9, तो हमने देखिए यहाँ लिखा है 333/9। देखिए अब 9 1 9, 9 3 20 7, अब देखिए हमारे पास रिमेनिंग बचे 6, तो यहाँ पे हम 67 कर देंगे 9, हमारे पास यहाँ हो गए 63। अब देखिए हमारे पास यहाँ हो गए 63, तो 9 के टेबल में 63 कितने टाइम आते हैं, 9 7 जा 63, तो हमने यहाँ लिख दिया 737। तो हमारा सेल्सियस में आंसर कितना आ गया, सी इज इक्वल टू 37°C। तो आगे आप लोगों को समझ में किस प्रकार रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल्स के बीच में। ओके सो स्टूडेंट्स, कम ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर्स आर मेनली ऑफ टू टाइप। अब आता है पहला क्लिनिकल थर्मोमीटर। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी। देखिए जो क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए किया जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है कैसा होता है, लंबा होता है, नैरो मींस तीर जैसा होता है, यूनिफॉर्म ग्लास, उसके ऊपर ग्लास ट्यूब होता है। इट हैज अ बल्ब एट वन ऑन एंड विच कंटेन्स मर्क्यूरी, और उसके एंड पे एक बल्ब लगा रहता है जिसमें क्या रहती है, कंटेन्स मर्क्यूरी भरा रहता है। द थिन नैरो ट्यूब हैज एन आउटर ग्लास कवरिंग ऑन विच ग्रेजुएशंस आर मेड। जो थिन नैरो रहता है, ट्यूब रहती है, मोटी ट्यूब रहती है, आउटर ग्लास, उसके ऊपर एक ग्लास कवरिंग रहती है, विच ग्रेजुएशन आर मेड, जो उसके ऊपर उसको कवर करके रखती है। द नैरो ट्यूब और कैपिलरी हैज अ स्लाइट वेन और किंग इन इट जस्ट अबोव द बल्ब। जो ट्यूब रहती है और कैपिलरी हैज, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं जिसे, स्लाइट बैंक बेंड, बेंड टाइप की रहती है, एकदम स्लाइटिंग बेंड रहती है, और किंग इन इट जस्ट अबोव द बल्ब, बल्ब के ऊपर, जस्ट बल्ब के ऊपर। द किंग डज नॉट अलाउ द मर्करी टू फ्लो बैक। तो ये जो किंग का वर्क होता है वो क्या होता है, जो मर्करी था उसको वापस फ्लो बैक मीन्स वापस फ्लो नहीं होता है इनटू द बल्ब, बल्ब में वंस द टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड, और वो टेम्परेचर रिकॉर्ड हो जाता है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35°C टू 42°C। देखिए जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें हमारा टेम्परेचर 35° से 42°C तक, मतलब 94 फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक रीड कर सकते हैं। इफ द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डज नॉट गो बिलो 35°C, और किसी भी ह्यूमन का जो टेम्परेचर होता है वो 35°C से नीचे नहीं जाता है और ना ही 42°C से ऊपर जाता है। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37°C। हमने पहले भी पढ़ा है जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी रहती है उसका टेम्परेचर कितना रहता है, 37°C मीन्स फ़ारेनहाइट में 98.6°F रहता है। अब सेकेंड आता है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। देखिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर, अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द लेबोरेटरी व्हाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट।
जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसका यूज हम किसी भी ऑब्जेक्ट जो एक्सपेरिमेंट में यूज होता है उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। दिस थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग थिन एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब सील्ड एट वन एंड। ये जो थर्मोमीटर होता है ये भी कैसा होता है, लंबा होता है, मोटा होता है, और जो उसका ग्लास होता है सील्ड होता है एट वन एट एक एंड पर विथ अ बल्ब फिल्ड विथ मर्क्यूरी, जो किससे भरा रहता है, एक तरफ कोने एक तरफ लास्ट में उसकी भी मर्क्यूरी भरा रहता है। एट द टेम्परेचर राइजेस द मर्क्यूरी इन द बल्ब एक्सपेंड एंड राइजेस इनटू द थिन ट्यूब। देखिए जैसे ही मर्क्यूरी टेम्परेचर ऊपर आता है जो मर्क्यूरी होता है बल्ब के अंदर जो मर्क्यूरी होता है फैल जाता है एंड राइजेस इनटू अ थिन ट्यूब, एक थिन ट्यूब में फैल जाता है, ऊपर उठ जाता है। दिस थिन ट्यूब इज कवर्ड विथ अ ग्लास, और यही थिन ट्यूब एक ग्लास से कवर्ड रहता है, कवरिंग विथ मार्किंग इन डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में मार्किंग रहता है। द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम गिव्स यू द टेम्परेचर रीडिंग, और जो उसकी हाइट रहती है मर्क्यूरी कॉलम की वो आपको टेम्परेचर रीडिंग करने में हेल्प करती है। द कॉमनली यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन रीड एज लो -10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाईएस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए इस थर्मामीटर का यूज हम लेबोरेटरी में करते हैं जिसमें हम कहाँ तक रीड कर सकते हैं टेम्परेचर, -10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाईएस्ट पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। टू फोरकास्ट द डे एंड नाइट टेम्परेचर अनादर टाइप ऑफ थर्मोमीटर यूज्ड बाय विच इज कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। और जब हमें किसी दिन और रात का टेम्परेचर मेजरमेंट करना रहता है तो हम इस थर्मामीटर का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। ओके अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर यूज ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर का अब हमें यूज किस प्रकार करना चाहिए, हैंडल इट विथ केयर, उसे अच्छे से पकड़ना चाहिए, सावधानी पूर्वक पकड़ना चाहिए। इफ इट हिट्स अगेंस्ट अ हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, यदि वो किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराता है तो वो टूट सकता है। डोंट होल्ड इट बाय द बल्ब वाइल रीडिंग, और कभी भी उसको बल्ब के साइड से नहीं पकड़ना चाहिए जब आप रीडिंग की मेजर कर रहे हो। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट, और जो मर्क्यूरी जो हमें अच्छे से जो टेम्परेचर आया है उसको अच्छे से मेजर करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। ओके अब आता है लेबोरेटरी थर्मामीटर के लिए क्या मेजर होता है, इसके प्रॉपर यूजेस। थर्मामीटर मस्ट बी केप्ड अपराइट, थर्मामीटर को हमेशा खड़ा रखना चाहिए। द बल्ब शुड बी कम्प्लीटली इमर्स्ड इन द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड, द बल्ब शुड बी कम्प्लीट, जो बल्ब होता है उसके अंदर इमर्स्ड इन द सब्सटेंस, वो जो सब्सटेंस होता है ऑफ विच द टेम्परेचर, जब हम किसी भी मेजर्ड कर रहे हो तो उसे बार बार हिलाना नहीं चाहिए, ताकि जिससे यदि हम उसे बार बार हिलाएंगे तो वो हमारा मेजरमेंट गलत हो सकता है। ओके रीड द थर्मामीटर व्हाइल इट इज इन द सब्सटेंस टू बी मेजर्ड, और जब हम थर्मामीटर में कुछ भी मेजर्ड कर रहे हो तो हमें सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इज फॉर क्लिनिकल थर्मोमीटर, थर्मोमीटर शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रिफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। थर्मामीटर को हमेशा यूज करने के पहले धोना चाहिए और यूज करने के बाद भी धोना चाहिए, और एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। गिव इट 2 or 3 जग्स सो दैट द मर्क्यूरी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड और नॉर्मल मार्क, और हमें उसका नॉर्मल मार्क तभी करना चाहिए जब मर्क्यूरी पूर्ण रूप से नीचे लेवल में आ जाए, है ना। जब तक वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ना हो तो हम तक उस तब तक उसका मेजर नहीं कर सकते।
Place the thermometer is in the armpit of under the tongue. यदि आपको थर्मामीटर से रीडिंग करनी है या टेम्परेचर नाप करना है तो आपको पेशेंट के हमेशा टंग के नीचे एंड आर्म पिट के अंदर ऑफ द पर्सन हुज टेम्परेचर इज टू बी टेकन, जिसका आप टेम्परेचर ले रहे हो, टेक आउट द थर्मामीटर एंड रीड द टेम्परेचर. उसको जब आप थर्मामीटर का मेजरमेंट हो जाता है तो उसे उस थर्मामीटर को ले लीजिए, अच्छे से उसका रीड कर लीजिए. एट द विच द सिल्वर लाइन और मर्क्यूरी एंड्स, जब उसकी सिल्वर लाइन पे मर्क्यूरी एंड्स हो जाती है तब तक अच्छे से उसको रीड कर लीजिए. सो स्टूडेंट्स, इसके आगे की नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.